हिंदुत्व राज है, हिंदुत्व राज, हिंदुत्व राज। हम दुबई जाते हैं ना, गठबंधन आएगी, हिंदुस्तानी नहीं आएगी। झाड़ू वालों ने ही करवाया है, करवाया होगा तो सेंट्रल से भी तो हेल्प मिलती है ना। अच्छा, अरे उन्होंने अपनी जेब से लगाया, क्योंकि वो इंडी जो उन्होंने इंडिया से वो गठन किया था, वो एक ही इंटेंशन था कि पीएम बनना है। बट अब उनको समझ में आ गया कि राजीव राहुल पी है ना सही नहीं है, वो सब सेल्फिश है। वो ममता अलग बनना चाहती हैं, है ना, उद्धव अलग बनना, सब पीएम बनना चाहते हैं। अब नीतीश थोड़े समझदार होंगे, उन्होंने कहा पीएम तो बन नहीं सकता, सीएम बना रहूँगा, तो वो फिर इधर आने के मूड में आ गए बीजेपी के साथ। और कुछ आपको भी लगता है ऐसा? हाँ, मुझे भी लगता है, मैं बस बहुत कम उसमें होते, पॉलिटिक्स में होती हूँ। कुमार जाएंगे उधर पर्ची मारेंगे ना, अरे बिहार लालू आए मजबूत हो गया, लालू जी कुछ भी नहीं, मजबूत हो गया वही करके मोदी पार्टी। अरे वो नहीं वो थे उस समय, आप तो वेटर है, आराम करना है, राजनीति है, नहीं हो गए खेल नहीं हो गए। अरे अच्छा, आपने अभी अभी आपने कहा खेला खेलेंगे, अभी अभी आपने कहा खेल नहीं होवे, पर ममता बनर्जी कह रही है कि वहाँ खेला नहीं होवे, वहाँ सीट नहीं दे रही वो। भाई बीजेपी की वहाँ सरकार नहीं बने, बिहार में नहीं बने। बंगाल की बात करूँ, बंगाल की, हाँ बंगाल में तो ममता बनाएगी अपना, बनाएगी को क्यों आने देगी, और वो नीतीश जी को क्यों आने देगी। बीजेपी कहाँ बीच में जा रहा है, बीजेपी की बात ही नहीं, वो तो खुद आ रहे हैं नीतीश जी, खुद आ रहे हैं वो तो। राहुल गांधी के क्यों रोक दिया, राहुल गांधी कौन है, हाँ कौन है, मैं जानती नहीं। जय श्री राम, नहीं जानती, नहीं जय गांधी। ये बताइए एक मिनट, ये बताइए आज से पहले हम जय श्री राम कैसे बोलते हैं, 15, 16, 17 में जय श्री राम कैसे बोलते थे, जय श्री राम आज कैसे बोलते हैं, जय श्री राम ऐसे बोलते हैं ना। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी है हम, हिंदुत्व राज है, हिंदुत्व राज, हिंदुत्व राज। हम दुबई जाते हैं ना, गठबंधन आएगी, हिंदुस्तानी नहीं आएगी, हिंदू वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं। अगर हम हिंदू में हिंदू राष्ट्र है तो हमें हिंदू के राष्ट्र हर चीज हमें फॉलो करनी। पाकिस्तान जाओगे ना, पाकिस्तान के रूल्स वो करोगे, तो हमें भी तो अपना अहत्व होना चाहिए। गलत सवाल नहीं लीजिए ना, अरे ईमानदारी पर चलिए ना, अरे पाकिस्तान का बात यहाँ सवाल नहीं हो रही है ना, पाकिस्तान का सवाल नहीं हो रही है ना, यहाँ से इंडिया का गठबंधन का बात हो रही है। आपको आपको काम क्या लगता है मोदी जी का, काम क्या लगता है मोदी जी का? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट काम है उनका। आम क्या, आम आप देख नहीं रहे हो, आप इतना आराम से चांदनी चौक में खड़े हो, औरत होके मैं रात के 8:30 बजे खड़ी हूँ, बेक ऑफ। आप ये देखो ना कितना इंडिपेंडेंसी है। आप पहले आज से 15-20 साल में चांदनी चौक में इस तरह की बात होती थी, नहीं होती थी खुल के। और आप सब लोगों, हम भी है ना, ये समझ लीजिए, नारी झाड़ू ने बनाया, झाड़ू बनाया, अरे बाप रे मत लो ना, अरे झाड़ू ने लाइट लगवाया, देखिए सही है, सही है, अभी बहुत जल्दी आपको रिजल्ट पता चलेगा। केजरीवाल, अरे बीजेपी, बीजेपी 15 साल था, बताओ कि वो पत्थर ने लगवा पाया काम, ये सारा काम झाड़ू वालों ने ही करवाया है, करवाया होगा तो सेंट्रल से भी तो हेल्प मिलती है ना। अच्छा, अरे उन्होंने अपनी जेब से लगाया, सेंट्रल भी सपोर्ट करता है, सेंट्रल भी सपोर्ट करता है, क्या करके सारा सारा काम केजरीवाल का है। और सुनिए सुनिए सुनिए, अगर अगर बीजेपी का, बीजेपी ने ना स्कूल बनवाए ना अस्पताल बनवाए, अपने ऑफिस बनवाए हैं, बीजेपी को खंभा नहीं लगवाया, सब लगवाया, वो खंभा नहीं लगवाया, अरे तो लाइट कहाँ लगवाया, सब लगवाया, सब लगवाया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, दबड़े बेवकूफ समझ रहे हैं बिहार के जनता को क्या जी, कभी इधर कभी उधर, हाँ वो तो ऐसे ही हैं, जहाँ मौका देते हैं वहाँ साथ। बीजेपी की क्या मजबूरी है, वो ले रहे हैं उनको, वो लेंगे, ले लेंगे, जब लालू ने ले लिया तो वो भी ले लेंगे, वो था तो वो भी ले लेंगे। सॉरी, अब क्या है, मजबूरी नहीं है, ले सकते नीतीश को, ऐसी कोई राजनीति में कोई ऐसा नहीं होता है, सब चलेगा, हाँ सब चलेगा। पहले चोर थे, पहले कह रहे थे नीतीश दल बदलू है, ये है कांग्रेस में सट रहा है, जब इनमें आ रहे तो बहुत अच्छे हैं, इनमें अच्छे हैं, अच्छे हो गए क्या, हाँ, ले लेंगे, अच्छे नहीं हुए लेकिन मजबूरी है, ले लेंगे उनको। अब क्या मजबूरी इनको बीजेपी वाले को, क्या आगे बताइए, उसको इतना डर लग गया बीजेपी को, उस कहने वाले थे कि नीतीश जितना मर्जी कुछ कर ले मैं अपने में शरण नहीं दूंगा इसे, इनकी सरकार कहने वाली, उसने कांग्रेस में चिपक रहे तो बोला ये तो बगैर पहने, इन्हीं के लोगों को बयान सुनते रहे यहीं पे कि बगैर पहने के लोटे हैं, कभी इधर घरकते कभी उधर घरकते,
मगर बीजेपी इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है। आज बीजेपी की क्या मजबूरी आ गई जो आज नीतीश को अपने पल्ले में ले रहा बगैर पेन? खुद आ रहे हैं बीजेपी से मिलने, नीतीश खुद बीजेपी से मिल रहे हैं। नीतीश को वो भाजपा मिला नहीं रहे, वो खुद मिल रहे हैं। अभी ने कुछ दिन पहले नीतीश ने कहा जो तो ना बैंक का अकाउंट नंबर है क्या कि जो डाल रहा है पैसा वो खुद ही आ रहा है? नहीं नहीं, उन्होंने कहा था अभी मोदी को धन्यवाद आ रहे हैं, मत लीजिए आप, उनको धन्यवाद दिया था। अगर आ रहे हैं नीतीश कुमार तो मत लीजिए ना आप, नहीं ले लेंगे। राजनीति में कुछ नहीं होता, राजनीति में सब है, राजनीति करिए, पब्लिक के बारे में जो भारत की वासी है उसके बारे में नहीं सोचिए, अपना घर बैठ भरिए। अच्छा बिहार की पब्लिक को फिर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अगर वो अगर नीतीश आते हैं तो? भाजपा के भी तो मुख्यमंत्री रहेंगे उनके पीछे, गलत थोड़ो इतना कर पाएंगे नीतीश। ये जो है ना इंडिया के नागरिक के ऊपर तुलना दे रहा हूँ, बात सुन लीजिए, तुलना दे रहा हूँ। एक मज थी, एक मज, उसको एक चश्मा पहना दिया गया, चश्मा मज गो एक चश्मा उसके भैंस को, भैंस को, भैंस को एक चश्मा पहना दिए और उसके बाद उसको ना सूखे पुआर जो धान के आप होते हैं वो उसके आगे डाल दिया, मगर उसको चश्मा में क्या दिख रहा था? हरा भरा। वो उसको सूखे को खा के ना दूध दे दी, जब उसको चश्मा हटाया ना तो पछताने लगा, यार मैं तो सूखे में कैसे दूध दे दिया। उसी तरह ये इंडिया के नागरिक को ने एक ऐसा चश्मा पहनाया है कि इसे आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारी गरीबी छा रही है कि भुखमरी हो रहा है, वो नहीं देख रहा, बोल रहा है हम तो दूध दे रहे हैं। जिस दिन ये चश्मा उतरेगा ना उस दिन ये याद करेंगे कि दूध हमने कैसे दिया। ये है यहाँ की नागरिकता। भाई साहब कौन सा चश्मा है ये? ये अब जो है जो इनकी इच्छा जो कह रहे हैं, लालू जी ने जब ये भाजपा में थे तो लालू जी ने नीतीश को क्यों मिला लिया था? तो लालू से अब वो हट के आ रहा तो भाजपा मिला ले राजन क्यों? उससे मिले नहीं लालू जी से, लालू के लड़के से मिले नहीं थे लालू जी से, नीतीश जी मिले नहीं, गठबंधन नहीं हुआ। मेरी बात तो सुनो, लालू बीजेपी में कब कब आया ये बताओ? लालू थोड़ो आए, नीतीश जी बीजेपी में थे, नीतीश थे ना, मेरे उनसे गठबंधन कर लिया। आज अगर उनको धक्का लग लग भाजपा से गठबंधन कर लेंगे इनके मुख्यमंत्री। देखो पहले लालू कांग्रेस में था और कांग्रेस की नीतीश जो लालू इस्तेमाल कर रहा था और बोला कि इसको गठबंधन में हम लेना है, ले लिए हमने, ठीक है। ये राजनीति भी नहीं, राजनीति अगर नीतीश जी अगर आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले मोदी को धन्यवाद दिया, जिनको वो उनको क्या वो मिला उनमें मोदी जी को धन्यवाद दिया लालू के साथ, और लालू के लड़के उसी में चल गए, इन दोनों में वो हो गया। इसीलिए मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।